तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ब्रिक्स मतलब एक ओल्डेस्ट मटेरियल, इसका वेट कितने के पास आता है, 3 to 3.5 kg, 3 kg के आसपास इसका वेट होता है। ये हमें एक बस ध्यान रखना है, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें जो है स्टैंडर्ड साइज या फिर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, मतलब ब्रिक्स का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। स्टैंडर्ड साइज क्वेश्चन आ सकता है, वो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक चार ऑप्शन दे देंगे, तो ऐसे या फिर मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक आ सकता है। तो स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज ब्रिक्स जो होता है ना, वो क्या होता है, 19 × 9 × 9 cm, कि हमें ध्यान रखना। जो स्टैंडर्ड साइज या मॉड्यूलर साइज कुछ ही पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में 2008 में आया हुआ है, ईएससी में 2012 में आया हुआ है, तो कुछ ही पूछ सकते हैं स्टैंडर्ड साइज ये, या फिर मिलीमीटर में भी कर सकते हैं, तो मिलीमीटर में चेंज कर देंगे। तो या फिर अगर ये पूछ ले नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, नॉमिनल साइज उसका हो जाता है जब उसके साथ मैसनरी भी उसके साथ काउंट की जाए। जैसे ब्रिक्स जो वॉल्स के अंदर मैसनरी के साथ कर रहे, जब तो उसमें मैसनरी लग रही है, तो मैसनरी के साथ जब उसे काउंट करे तो उसका जो नॉमिनल साइज हो जाता है, बाद में जब मैसनरी उसके साथ लग जाए तो उसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसको हम नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक बोलते हैं। वो कितना होता है, 20 × 10 × 10 cm। तो डायमेंशन ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग जो होता है ना, जैसे ब्रिक होती है उसके ऊपर हमने एक देखा होगा थोड़ा स्पेस दिया होता है जिसपे वो लिखा रहता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग नाम लिखा रहता है, तो उसको ही हम फ्रॉग बोलते हैं। उसकी डायमेंशन क्या होती है, 10 × 4 × 1 to 2 cm तक होती है उसकी ये डेप्थ। तो ये 10 होती है और ये 4 होती है, और इसकी जो डेप्थ होती है 1 to 2 cm तक होती है। मिलीमीटर में चेंज करते हो 100 mm × 40 mm × 10 to 20 mm। ज्यादा प्रीफर जो है इसको 10 cm को किया जाता है ज्यादातर ऑप्शन, मगर दोनों आ जाए तो प्रीफर इसको किया जाएगा हमेशा 10 to 20 cm तक होती है। तो मतलब मेनली जो इसका काम होता है ना, वो गुड बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब बॉन्ड अच्छा बने दूसरे ब्रिक्स के साथ, जब हम इसको एड करें मेसनरी के साथ, तो बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए काम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग नेम भी इसमें हम लिखा जाता है, इसके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नेम लिखा रहेगा, कंपनी का नाम, प्रोवाइडिंग फ्रॉम अपर फेस ऑफ द ब्रिक, मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्वेश्चन भी पूछा हुआ, मतलब कि जो ब्रिक का जो फेस होगा जब हम बना रहे हैं, जैसे ये ब्रिक है तो यहाँ पर फ्रॉग है, तो उसका फेस हमेशा ऊपर की साइड होगा, फिर ऊपर हम मैसनरी बिछाएंगे, फिर अगली ब्रिक रखेंगे और उसका भी फ्रॉग का फेस होगा ऊपर की साइड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन एसएससी जेई में भी पूछा हुआ 2019 में और 1999 में भी पूछा हुआ है। तो ट्रेडिशनल साइज ऑफ ब्रिक, मतलब ट्रेडिशनल साइज या कंट्री साइज या वो इंडिया की जो साइज है, ट्रेडिशनल ब्रिक जो बहुत पहले से यूज हो रही है वो क्या है, वो है 23 cm × 11.4 cm × 10.6 cm, या मिलीमीटर में भी लिख सकते हैं इसे, 230 mm × 114 mm × 76 mm। तो ये हमें याद रखना ट्रेडिशनल साइज, ये अभी ये क्वेश्चन भी आगे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वन ब्रिक थिकनेस वॉल इज रफली इक्वल, मतलब ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2014 में आया था कि मतलब एक वॉल की थिकनेस कितनी होगी रफली, तो 20 cm मैसनरी के साथ वॉल की जो थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 20 cm तक हो सकती है, ये चार ऑप्शन था, तो ये 20 cm मैसनरी के साथ तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगी। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक टाइल, मतलब ब्रिक टाइल का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, 19 cm × 9 cm × 4 to 3 cm तक होता है, 3 cm, ज्यादा प्रीफर 4 cm को किया जाता है, नहीं कई बुकों में 3 cm भी दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का 19 × 9 × 4 cm × 3 to 4 cm तक, तो मैं ये बात ध्यान रखनी है। नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक टाइल, नॉमिनल साइज क्या होता है ब्रिक टाइल का, वो क्या होता है जब फिर उसको मैसनरी के साथ हम कैलकुलेट करें जैसे, तो वो हो जाता है 20 × 10 × 4 cm। बात हमें ध्यान रखनी है।